Hello students, let's see this question. The question says 1 mole of a perfect gas expands isothermally and reversibly to 10 times its original volume. The change in entropy is चार options आपको given है. सबसे पहले एक मोल आपकी perfect gas, ideal gas. So number of moles कितने हो गए? 1. Expand कर रहा isothermally and reversibly, मतलब equilibrium से establish हो जाएगा और आपका isothermal situation है, delta T की value zero रहेगी हमेशा. अब जब ये expand कर रहा है तो जो वॉल्यूम था ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो न्यू वॉल्यूम है वो 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो v है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा. आपको डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन एंट्रोपी. सो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एन आर लॉग एन आर सॉरी लॉन v फाइनल अपॉन v इनिशियल. ठीक है, वन की वैल्यू, एन की वैल्यू वन है, आर को आर ही रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शंस में आर ही मेंशन है. लॉन वी फाइनल को हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एंड आपका वी इनिशियल हो जाएगा वी. सो वी से वी कैंसिल. अच्छा, तो वन मल्टीप्लाई आर लॉन 10, लॉन 10 की वैल्यू होती है 2.303. सो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 2.303 आर. सो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.